आइए हम इसका क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स इज द जनरल मैनेजर ऑफ प्लस लिमिटेड, ही ड्रॉज अ सैलरी ऑफ 5500 पर मंथ। ठीक है, 5500 पर मंथ की सैलरी है, तो हम पहले बेसिक बेसिक चीज़ें लिख लेते हैं, इतना हमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। सिंपल सिंपल चीज़ें लिख देते हैं कि जो सैलरी है वो 5500 है पर मंथ की। इतनी बात समझ आती है? देन ही रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर का उनका रिटायरमेंट हो गया। इतनी सी बात भी लिख लेते हैं। कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं, 26 ईयर्स 11 मंथ्स। तो यहाँ 26 ईयर्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, 26 जो ईयर्स हैं वो हो गए। नाउ ही इज़ एंटाइटल टू 1 मंथ अर्नड लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड सर्विस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ही इज़ एंटाइटल्ड यानी कि उनको अलाउड है 1 मंथ का लीव इन एवरी ईयर, यानी कि एक साल में वो 1 मंथ की लीव ले सकते हैं, उनको इतना अलाउड है, एंटाइटल्ड हैं वो उसके। ₹1 लाख रिसीव्ड फॉर एनकैशमेंट ऑफ ऑल लीव ऑन रिटायरमेंट। उनको मिला कितना है, कितना एक्चुअली रिसीव हुआ है, 1 लाख। ही हैज़ अवेल्ड, अब ये पता लग रहा है कि कितनी वो अवेल कर चुके हैं, यानी कि 20 मंथ्स की जो अर्न लीव है वो कर चुके हैं वाइल इन द सर्विस। वो सर्विस में थे कितने, 26 साल। ठीक है, तो अब इसको सिंपल मैथ है, देखो एक लीव अगर अलाउड है एक ईयर के लिए, कितने साल वो दे चुके हैं सर्विस अपनी, 26 ईयर्स, यानी कि 26 मंथ्स की उनके पास अवेलेबिलिटी थी। उन्होंने कितने मंथ ले लिया, 20 मंथ्स उन्होंने अवेल कर लिया। अब अनअवेल्ड कौन सा है, 6 मंथ्स। ठीक है, तो बेसिक मैथ कि 6 मंथ्स की अभी अवेल नहीं कर लिया। He has encashed the unutilized earned leave standing to his credit on the basis of last drawn salary. ठीक है, हमें taxable amount निकालना है leave encashment का। ठीक है, अब देखते हैं, तो हमने ये निकाल लिया कि 26 months उनके पास allowed थे, उन्होंने 20 months की avail कर ली लीव, तो यानी कि जो अनअवेल लीव है वो 6 months की है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे 6 months में लूँगा नहीं, अब तो क्या ही लूँगा, अब मुझे आप भाई कैश दे दो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो हमारी लीव है वो उसका एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, हमारी पहली जो हमें देखना होता है क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट कितना है, 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में 1 लाख दिया गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन हमारा क्या था, जो हमने चार पढ़े लीव जो हमें देखने हैं, दूसरा क्या था, 10 मंथ एवरेज सैलरी। ठीक है, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, ये कैसे निकलेगा, हमारी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है पर मंथ की, 5500, तो 10 मंथ्स की कितनी होगी, 55,000। ठीक है, बस ये निकालना था, इतना इजी। लेकिन भाषा इतनी डिफिकल्ट लिखी होती है तो हमें लगता है पता नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, बस आराम से पढ़ना है क्वेश्चन। देन कैश इक्विवेलेंट टू 6 मंथ्स, यानी कि हमें क्या बोला गया था, ये देखिए यहाँ हमें क्या बोला गया था कि यहाँ पर वो वाला अमाउंट कैलकुलेट करो जितना अप्रूव पीरियड है ऑफ नॉट टेकन, यानी कि कितनी हमने मंथ की सैलरी लीव नहीं ली, तो 6 मंथ्स की लीव नहीं ली, तो यहाँ पर 6 मंथ्स की लीव के हिसाब से कितना नहीं ले पाए हम लोग वो निकाल दीजिए, 33,000 आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ क्या था, मैक्सिमम एग्जेम्पशन अलाउड बाय द गवर्नमेंट, तो मैक्सिमम कितना अलाउड बाय गवर्नमेंट है, अभी मैंने आपको बताया था, याद रखना है, 3 लाख। ठीक है, तो इसमें से जो लीस्ट है, कौन सा लीस्ट है, 1 लाख, 5,000, 32,000 और 3 लाख, ऑफ कोर्स 33,000 इज दी लीस्ट। तो अगर हमें बोला जा रहा है टैक्सेबल अमाउंट, तो ये सारी कैलकुलेशन आपको एक अच्छे से फॉर्मेट में करनी है और इसको आपको ऐसे ही शो करना है, चारों लिखकर आपको लिखना है, द लीस्ट ऑफ द अबाउट इज 33,000, सो द टैक्सेबल अमाउंट वुड बी, वो क्या होगी टैक्सेबल अमाउंट, क्योंकि 33,000 तो माइनस हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास 1 लाख हमारे पास थी सैलरी, कंप्लीटेड सर्विस का जो मिला था उसमें 33,000 माइनस हो जाएगा, तो 67,000 विल बी योर टैक्सेबल लीव एंड कैशमेंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड आइटम दैट यू नीड टू कंसिडर वेरी सीरियसली इज पेंशन। पेंशन मिलती है हर महीने, मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, हो सकता है हर मंथ मिलती हो सकता है ईयरली मिलती हो सकता है कोई भी पीरियोडिक तरीके से मिलती हो, लेकिन एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, लमसम, यानी कि एक साथ।
तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम पीरियोडिक की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन, यानी कि एक साथ कम्यूट करके नहीं दी जा रही। और दूसरी साइड जब हम लमसम की बात करते हैं कि एक साथ ही हम सारा पैसा दे रहे हैं एज अ पेंशन, तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, कम्यूटेड पेंशन। अब चाहे वो मंथली हो, ईयरली हो, यानी कि कोई भी पीरियोडिक पेमेंट की जा रही है पेंशन में, तो वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ सैलरी फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सो यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नॉन गवर्नमेंट। अगर अनकम्यूटेड है, आप पीरियोडिकली ले रहे हैं अपनी पेंशन, तो वो टैक्सेबल होगी। अब हम बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन की। तो अगर कम्यूटेड पेंशन है, यानी कि लम सम में आप पेमेंट ले रहे हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये सारी लमसम अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उसमें कुछ आपको कंडीशंस देखनी होंगी। नॉन गवर्नमेंट में अगर आप लोग ग्रेच्युटी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ 1/3 जो होगा आपका ऑफ टोटल पेंशन वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर आप ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर रहे हैं तो हाफ होगा एग्जाम। क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर मधुर इज गेटिंग अ पेंशन ऑफ 4000 पर मंथ। ठीक है, पर मंथ ले रहे हैं 4000 फ्रॉम अ कंपनी। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही गॉट 2/3 पेंशन। अच्छा, तो मिल रही है 2/3 पेंशन, 2/3 पेंशन मिल रही है। सो प्रीवियस ईयर ही गॉट 2/3 पेंशन। सबसे पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन को लिख देते हैं। मिस्टर मधुर इज गेटिंग अ पेंशन, कितनी पेंशन है? 4000 पर मंथ। प्रीवियस ईयर में उनको कितनी सैलरी मिली है, कितनी पेंशन मिली है? 2/3, यानी कि 2/3 ऑफ टोटल हमें गिवन है 1,86,000। तो यानी कि हम टोटल निकाल सकते हैं 1,86,000 को 3/2 करके, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया तो हम टोटल यानी कि 100% हम निकाल सकते हैं, हमें 2/3 गिवन है। तो एक्स कितना आ जाएगा ये देखिए, तो ये हमारी होगी टोटल। तो यहाँ पर टोटल कितनी आ जाएगी, 2,79,000। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर रिसीव कर रहे हैं वो ग्रेच्युटी, तो यानी कि कितना होगा, अभी हमने पढ़ा अगर ग्रेच्युटी रिसीव हो रहा है तो 1/3 एग्जैक्ट। तो हम क्या करेंगे, 2,79,000 का 1/3 निकाल देंगे, और बी में क्या है, रिसीव नहीं हो रही है, तो 2,79,000 का हाफ कर देंगे। ठीक है, 1,395 आ जाएगा हाफ करके। ठीक है, तो बस यही सिंपल सा था। तो बेसिकली हमें क्या बताया गया था, हमें सिर्फ इतना क्वेश्चन में घुमा दिया गया कि हमें 2/3 ऑफ टोटल 186 गिवन था, तो हमें बस 100% निकालना था। तो 2/3 को हमने उल्टा कर दिया, 186 इंटू 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास 100% आ गया, इसका 1/3 हो जाएगा अगर ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है, अदरवाइज हाफ। अब ग्रेच्युटी की बात करते हैं, क्योंकि अगर ये वर्ड आ रहा है पेंशन में तो ये होता क्या है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि सेक्शन 10(10), सबसे पहले सेक्शन याद रखना है। दूसरी चीज़ होता क्या है, ग्रेच्युटी बेसिकली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ एक तरह का गिफ्ट दिया जाता है, एम्प्लॉई को मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, जो भी उसने सर्विसेज रेंडर की है उसका एक थैंकफुल यानी कि ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं हम कि थैंक यू आपने हमें जो सर्विसेज दी उसके लिए। तो ये क्या होता है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई और ग्रेच्युटी आप रिसीव कर रहे हो तो वो फुली एग्जेम्प्ट होगी फ्रॉम टैक्स। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट है और वो कवर है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर, तो कुछ कंडीशंस यहाँ पर हमें देखनी होंगी, वो कंप्लीट करनी। तो इनमें से जो भी लीस्ट होगा वो माइनस हो जाएगा। तो क्या कह रहा है देखिए, यहाँ से ठीक है, एग्जेम्प्ट होगा टू द एक्सटेंड ऑफ स्टेटेड बिल। तो पहला क्या है, 15 डेज सैलरीज और 7 डेज है सीजनल कंसर्न के अंदर बेस्ड ऑन सैलरी लास्ट ड्रॉन। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, अभी सिर्फ ये रीड करने के लिए है। 20 लाख एज द मैक्सिमम अमाउंट, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये अमाउंट बिल्कुल याद कर लीजिए, अपने दिमाग दिल में भर लीजिए। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड विच एवर इज लेस, तो इन तीनों से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना कैसे, आइए करते हैं। ये हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। यही चीज़ लिखी गई है कि 15 डेज या 7 डेज जैसा भी केस होगा उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी है सैलरी ग्रेच्युटी। ठीक है, 20 लाख का अमाउंट याद रखना है और आज भी जो ग्रेच्युटी रिसीव हुई है, ठीक है,
और अगर आप कवर्ड नहीं हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर, तब क्या होगा? तब आपकी हाफ मंथ ऑफ सैलरी, एवरेज सैलरी निकालेंगे, तब भी अमाउंट 20 लाख ही होगा और एक्चुअली ग्रेच्युटी रिसीव। अब यहाँ पर बहुत बेसिक चीज़ ध्यान रखो कि जो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, 15 डेज की बात जो कर रहे हैं, वो निकलती कैसे है? 15 डेज सैलरी बेसिकली निकलती है हमारी जब हमारी जो सैलरी होगी, जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी, बेसिकली जो मंथली सैलरी होगी, लास्ट ड्रॉन सैलरी हमारी मंथली सैलरी होगी, ठीक है? अगर मेंशन नहीं है कुछ एग्जाम में तो सीधा मंथली सैलरी आप ले, डिवाइडेड बाई 26 × 15। ये बस सिंपल इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि 15 × 26 करो, ठीक है, इंटू कर दो जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, जो कि मोस्टली मंथली सैलरी ही होती है, ठीक है? इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मिस्टर विनोद इज एन एम्प्लॉय ऑफ एक्सिस लिमिटेड, ही रिसीव्स 5 लाख एज ग्रेच्युटी। देखो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि क्या वो कवर है ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर या नहीं, ठीक है? और उससे भी पहले हमें क्या देखना होगा कि क्या कहीं पर ये मेंशन है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या कहीं मेंशन है? देखो यहाँ तो मेंशन नहीं है, है ना, यहाँ तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो मैंने कि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बोला जा रहा है कि वो कवर्ड है अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 और उसको मंथली साल उनको उसको ग्रेच्युटी कितना रिसीव हो रहा है 5 लाख का, तो हम उसको लिख लेते हैं, ओके। देन ही रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2020 आफ्टर डूइंग सर्विसेज ऑफ 27 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। तो लाइक ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ऑफ सर्विस हो गया, ठीक है, तो लिख लेते हैं। देन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी हमें पता चल गई, मंथली सैलरी कितनी है 78,000। अब सबसे पहला पॉइंट ही क्या बोला था अभी मैंने कि 15 डे सैलरी निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? 15 बाई 26 कर दो, ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना, तो आपका ये अमाउंट यही आना चाहिए 9808। अब कितने ईयर्स उन्होंने सर्विस में दिए हैं ये ध्यान रखेंगे, तो 28 ईयर्स दिए हैं, इसको इंटू करेंगे 274,624 आपका आंसर आएगा। क्या चीज़ का आंसर आएगा? फर्स्ट पॉइंट का, ठीक है, मैं एक बार इसको आपको अच्छे से लिख देती हूँ। 2,74,000 फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? जो मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 20 लाख, ठीक है, तो या तो ये या फिर ये, या फिर तीसरा पॉइंट क्या था? जो भी एक्चुअली ग्रेच्युटी रिसीव हुई है विच इज़ 5 लाख, तो जो भी इसमें लीस्ट होगा उसको हम माइनस कर देंगे किस में से? जो एक्चुअली रिसीव हुई है, यानी कि 5 लाख। तो हमें सबसे कम कौन सा दिख ही रहा है? 2,74,000 है हमारा सबसे कम। तो जो मिनिमम अमाउंट हमें देखना है वो क्या है? 2,74,624 इन तीनों में से, और हमें कितना रिसीव हुआ है? 5 लाख। तो 5 लाख में से हम मिनिमम जो है तीनों है वो माइनस कर देंगे और जो हमारे पास आएगा वो टैक्सेबल ग्रेच्युटी हो जाएगी, 2,25,376। तो ये हो जाएगी हमारी टैक्स। फाइन, we'll be right back.